आप सुन रहे हैं इनटू द लाइफ का एक खास पॉडकास्ट कृष्णा। अब तक मैंने आपको सुनाई श्री कृष्ण के विवाह की कहानी। आप जान चुके हैं कि श्री कृष्ण ने विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी से शादी की थी। आप जान चुके हैं कि ये शादी किस तरह हुई, किस तरह रुक्मणी ने श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा था, किस तरह रुक्मणी के भाई रुक्मी के साथ श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था। अब आप सब जान चुके हैं और अब रुक्मणी द्वारिका पहुंच चुकी हैं। आज के एपिसोड में आपको बताऊंगी आगे की कहानी खुद रुक्मणी की जुबानी, क्योंकि अब श्री कृष्ण ने की है एक आदिवासी कन्या जाम्बवती से शादी। इस बारे में आपने कम ही सुना पढ़ा होगा कि श्री कृष्ण की एक रानी एक आदिवासी कन्या जाम्बवती भी थी। तो अब आप सुनिए किस तरह शिवाजी सावंत की किताब युगंधर में रुक्मणी ने किया है जाम्बवती से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र। अपने ऊपर सैमंतक मणि की चोरी के लगाए गए लांछन को श्री जी ने बड़े शौर्य से मिटाया था। इतना गर्व हुआ मुझे उन पर। मेरी ओर देखते समय उनके मुख पर मुझे उनकी परिचित वही नटखट हास्य छटा दिखाई पड़ी। निश्चय ही इसके पीछे कोई ना कोई मर्म अवश्य होगा, मुझे ऐसा लगा और मैं सतर्क हो गई। अपने पीठ पीछे खड़ी एक सांवली सशक्त स्त्री की भुजा थामकर उसे सम्मुख करते हुए उन्होंने सहजता से कहा, ये एक स्त्री रत्न आया है सैमंतक के साथ साथ। मैं नहीं, सैमंतक मणि ही लाई है इसे। यदि ये रत्न आता तो सैमंतक भी प्राप्त ना होती। सदैव की भांति श्री जी ने कूट प्रश्न का जाल फैलाया। मैंने सम्मुख खड़ी अधोमुख सहमी सी यौवन से लहलाई युवती की ओर देखा। वो सुडोल सांवली विपुल केशा थी। उसके वस्त्रों से मैंने तत्काल भांप लिया कि वो एक वन्य स्त्री थी, एक आदिवासी कन्या। द्वारका के प्रबल प्रभावी वैभवशाली प्रथम दर्शन से वो हड़बड़ा सी गई थी। घनी पलकें झपकाते हुए भयभीत पक्षिणी के समान वो मेरी ओर टुकुर टुकुर देख रही थी। केवल तुम्हारे भरोसे ही इसको ब्याह कर अपनी पत्नी और तुम्हारी सखी के रूप में लाया हूं मैं रुक्मणी। इसका नाम जाम्बवती है। ऋक्षवान के निषदराज जामवन की पुत्री है ये। श्री जी तो नित्य की भांति नितांत सरलता से कह गए, परंतु उस क्षण मेरी स्थिति तो वैसी हो गई जैसे अपने प्रथम पुत्र के खो जाने पर हुई थी। क्षण भर को मुझे आभास हुआ कि पूरा शुदाक्ष महाद्वार मंडलाकार घूम रहा है। दूसरे क्षण मैंने स्वयं को संभाला। जो भी हो, अंततः श्री पत्नी जो ठहरी मैं, द्वारका वासियों की हृदय से स्वीकृत महाराज्ञी हूं। आओ जाम्बवती मेरी छोटी बहन, मुझसे गले मिल लो। सम्मुख खड़े आदिवासी सौंदर्य को अभय देते हुए मैंने अपने बाहु पसारे। बड़ी आशा से वो मेरे गले लगी। सिसकते हुए बुदबुदाई भी, मेरे ध्यान में कुछ भी नहीं आ रहा है। आप कृपा कर मेरी सहायता कीजिए, मेरी दीदी बन जाइए। मैंने उसे थपथपाते हुए शांत किया। श्री जी ने उसके पिता जाम्बवान का सबसे परिचय कराया। वे अपने साथ द्वारका के यादव प्रमुखों के लिए उपहार स्वरूप मधु और महुआ के मध्य के कुंभ, तरह तरह की औषधि वनस्पतियाँ, रंग बिरंगी मणिमालाएँ और अलग अलग पंछियों के विविध रंगी पंख, हाँ उनमें कुछ सप्तरंगी सुंदर मोरख पंख भी थे, ये सब कुछ लेकर आए थे। अब सबके मन में सवाल था कि ये घटना घटित कैसे हुई। सैमंतक की खोज करते करते जब श्री जी को ज्ञात हुआ कि यह मणि जाम्बवान ने हस्तगत की है और अपनी गुफा में सुरक्षित छिपा रखी है, तो यादव सेना ने उस गुफा को घेर लिया। सेनापति सात्यकी और अनादृष्टि ने निषदराज जाम्बवान को वन्य बेलों से बांधकर बंदी बनाकर श्री जी के सामने उपस्थित किया। सैमंतक मणि की मांग करते ही बिफर कर उसने कहा, वो मणि मेरे पास है, भले ही मेरे प्राण चले जाएं, मैं वह मणि नहीं दूंगा, पहले मुझे अभय दीजिए। अभय किस लिए?
किस प्रकार लौटाएंगे आप वह मणि? उस निर्भय निषद राज का निर्भय उत्तर श्री जी को मन ही मन भा गया। जामवान ने कहा, मेरी इकलौती कन्या है जाम्बती, यदि तुम्हारा ये मुखिया उसे अपनी पत्नी बनाने को तैयार हो तो वह मैं रत्न प्रस्तुत करूँगा, अन्यथा नहीं। न जाने क्या सोचकर श्री जी ने उस विचित्र शर्त को स्वीकार किया था। एक चांद्रवंशी क्षत्रिय नरश्रेष्ठ ने एक आदिवासी वन कन्या को पत्नी के रूप में सादर स्वीकार किया। पूरे आर्यव्रत में ये घटना अभूतपूर्व थी। आगे कभी ऐसा घटित होगा ये कहना ना कहना बहुत कठिन था। इस मनवंतर को रचते हुए उन्होंने जिस आकाश सदृश मन के दर्शन कराए थे उसे देखकर शरणार्थ में मैंने भी निश्चित किया था कि उनकी पत्नी होने के नाते मैं भी अपने हृदय को ऐसा ही उदार बनाऊंगी। इससे मैं श्री जी को और भी अधिक प्रिय हो सकूंगी। यदि मैं ऐसा ना करती तो मुझे विश्वास था ऋक्षवान के घने अरण्य में भी वे जामवती नगरी स्थापित करते केवल आदिवासियों के लिए, तब मैं क्या करती भला। जामवती को आलिंगन में भरते हुए मुझे स्त्री मन का उससे भी बढ़कर रागी मन का बोध हुआ। उसके आलिंगन में रहते ही मेरे मन में एक विलक्षण विचार कौन था। कौंडिन्यपुर में मेरे स्वयंवर के लिए इकट्ठा हुए श्री जी को ग्वाला कहकर उनकी उपेक्षा करने वाले, स्वयं को सम्राट कहने वाले जरासन सहित सारे क्षत्रियों में से क्या कोई क्षत्रिय पुरुषोत्तम ये साहस करता? क्या उनमें से कोई भी किसी आदिवासी स्त्री को अपनी पत्नी स्वीकार करता? तो ये था आज का पॉडकास्ट, और इसमें मैंने आपको बताई श्री कृष्ण की एक और शादी की कहानी, एक और शादी जिसकी चर्चा कम होती है क्योंकि ये शादी हुई थी एक आदिवासी स्त्री के साथ, एक आदिवासी स्त्री जामवती। तो जामवती भी थी श्री कृष्ण की एक रानी और इस किताब के मुताबिक उनकी दूसरी रानी। आप सुनते रहिए श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी ऐसी ही घटनाओं पर आगे की कहानियाँ, आगे की बातें और श्री कृष्ण की कही हुई बहुत ज्ञान की बातें। कैसा लगा ये पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। इनटू द लाइफ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही पॉडकास्ट और ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो, ज़िंदगी से जुड़े वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी।